ही चीज को बार बार चिल्लाते रहो। हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो भाइयों, हाउ आर यू? सुंदर लग रहा है। मी वैन विमेन साइंस प्रोजेक्ट नो थर्माकोल नो कार्डबोर्ड टॉपिक दे। आपका साइंस प्रोजेक्ट है नो थर्माकोल नो कार्डबोर्ड। अच्छा, आप कर सकते हैं ऐसे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और अपने प्रोफेसर को चाटा घुमा के वो आपको क्या करेगा, फेल करेगा, और आप बोलोगे हेंस प्रूव्ड। अर्पित भाई बिग फैन, थैंक यू यार, बट मैंने सुपर चैट तो देखी नहीं आपके नाम के साथ में। निकलो ना यार, क्यों जाते हो भाई? तू एरोगेंट हो गया है। एरोगेंट नहीं हुआ हूँ भाई, मैं मनी माइंडेड हो गया हूँ भाई, मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ भाई, सुपर चैट का है मेरी। चलो पूरी सुपरस्टार पे आते हैं। इससे पहले ना मैं ये बता देता हूँ, मैं ना कभी भी बिग बॉस नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बिग बॉस देखना ना मतलब बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे तुम क्लब हाउस में किसी रैंडम ग्रुप में आ जाते हो और वो बस चैं चैं करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को उठा उठा के। मेरे से बिग बॉस देखा नहीं जाता। मैं बिग बॉस इसलिए देख रहा था क्योंकि पुनीत सुपर स्टार था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी क्या होगा। तो मेरे ना तीन फेजेस में आए थे पुनीत के ऊपर व्यूज। पहला व्यू ये था, यार बहनचोद पुनीत के साथ गलत हुआ यार पुनीत सुपरस्टार के साथ। वहां पे जाते हो, सबसे पहले वो खड़ा होता है, सबसे पहले उसकी बेइज्जती बेइज्जत किया जाता है, मतलब टॉप में होता है उसको नीचे 20,000 पकड़ा देते हैं, उसको बिस्तर पे नहीं जमीन पे सुलाते हैं। उनको इतना फनी लग रहा था बिग बॉस के वालों को कि एक बंदा जो अपनी मिडिल क्लास मेंटेलिटी को अपनाता है, वो कहता है हाँ मैं मिडिल क्लास हूँ एंड आई एम ओके विद दिस, उसको वो लोग जमीन पे सुला रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा था हाँ ही मस्ट बी ओके विद इट, राइट? आई एम टेलिंग यू ब्रो, जो प्रोड्यूसर्स थे और वो दे वर लाइक दिस इज सो फकिंग फनी भाई, कितना फनी होगा ना ये। बट व्हाट आई फील लाइक इज कि उसकी वजह से ना हम सबको ऐसा लगा यार डैम यार पुनीत भाई इतने अच्छे हैं भाई, वो गरीबों को खाना देते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, इतना बुरा किया, उन्होंने क्या किया। फिर आता है दूसरा फेज ना मेरे दिमाग में आया अमन की वजह से, अमन कुमार सिंह वही फनी वाला। अमन ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट छेड़ा, उसने बोला कि भाई ये बिग बॉस में जाके थोड़ी गली छरकते नहीं कर रहा, पागलपना और ये सब। चलो मैं मानता हूँ इसको बिस्तर नहीं दिया ये वो, बट देर कुड हैव बीन अ बेटर वे टू डील विद द सिचुएशन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम एक ही चीज को बार बार चिल्लाते रहोगे करते रहोगे मौत का खेल। आते ही एक तो भाई उसने मौत का खेल स्टार्ट कर दिया, पूरा का पूरा बाथरूम बिगाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आई फाउंड इट हिलेरियस, दैट इज रियलिटी टीवी, बट देयर वर पीपल लिविंग विद हिम, समझ रहे हो ना, देयर वर पीपल लिविंग विद हिम, एंड देन वेयर ऑल दीस पीपल वर लाइक फक इट भाई मैं नहीं कर सकता, जब उसने टॉयलेट में लहंडा जोड़ दिया। तो सेकंड वाले में मुझे ऐसा लगा, सेकंड रियलाइजेशन में मैं ऐसा था कि यार था तो ये थोड़ा गलीच ही, ही कुड हैव हैंडल्ड थिंग्स वेल। और मेरे को बड़ा गुस्सा भी आया कि मतलब वो बंदा क्रिएटिवली रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा, टेंट्रम थ्रो कर रहा है और एक ही चीज को बार बार बोल रहा है, और बाद में बस बोल रहा है मैं तो ऐसा ही हूं, जो करना कर लो, किसी के बाप का उधार लेके नहीं आया हूं, और ये बार बार बोल रहा है। आई वॉज अ लिटिल पिस्ड ऑफ, नॉट गोना लाई, आई वॉज अ लिटिल पिस्ड ऑफ। फिर आती है मुझे थर्ड रियलाइजेशन मुझे ये थी, दैट इज हु फकिंग पुनीत सुपरस्टार इज। व्हाट इफ वो ये सब गलीच पता कर ही नहीं रहा था, वो एक परफॉर्मेंस आर्ट है। व्हाट इफ दिस इज ऑल अ फकिंग परफॉर्मेंस आर्ट, कि पुनीत सुपरस्टार एंडी कॉफमैन जैसी कोई हरकत कर रहा है, एंड दैट इज रियलिटी टेलीविजन। रियलिटी टीवी यही तो होता है, पीक रियलिटी टीवी इज सराउंडेड बाय पीपल हु आर नॉट नॉर्मल। बिग बॉस वाज मेड फॉर पीपल लाइक पुनीत सुपरस्टार, एंड यू कैन नॉट फकिंग एक्सपेक्ट कि तुमने पुनीत की रील्स देखी, इंस्टाग्राम पूरा देखा था बिग बॉस ने, सारे लोगों ने देखा था, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये बंदा वहां पे जाके ये सब नहीं करेगा। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट भाई? मैं सही बताऊं ना, पुनीत सुपरस्टार क्या करता वहां पे जाके? मेरे हिसाब से जो उसने किया बिल्कुल सही किया, अंदर गया, मस्ती मारी, जो था अपना पब्लिसिटी स्टंट ढंग से किया और बता दिया हम ऐसे ही, हम चेंज नहीं होंगे एक पल को भी, हम नहीं, हम मैं यही हूं एंड मैं नहीं बदलूंगा, बिकॉज फॉर मी मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ है, आप लोगों की तरह नहीं है कि आप करियर बचाते रहूं मैं, तो इसलिए मैं सहेज लूं अपने आप को। बट या व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम पुनीत सुपरस्टार, कि वो यहां पे आके अच्छे से बात करेगा, मौत का खेल नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट? मैं सही मायने में बताऊं तो पुनीत को देख के मेरे को बहुत वैसे फील आई एंडी कॉफमैन टाइप, ये बंदा कैरेक्टर में इतना घुस चुका है कि उसको निकलने का कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा।